हेलो 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 गाइस, और आज हम हैं FRI. सो FRI, लेट मी टेल यू, FRI इज दैट, दिस इज द सेम कॉलेज. हां, FRI इज बेसिकली फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो दिस इज द सेम कॉलेज जहां पे सॉटी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई है. ओके, आई एम सो एक्साइटेड एट दिस प्लेस. ओके, आई एक्चुअली हर एक कॉर्नर को देख के आई कैन यू नो रिलेट कि अरे यहां पे ये गाना शॉट हुआ है. सिद्धार्थ मल्होत्रा गाड़ी चला के आता है, वो कुकड़ का मालदा, एंड उनका वो ये शूट होता है, उनका एक ऐसा बैटल जैसा होता है. अच्छा, अच्छा. एंड उनकी जो मेन लास्ट में जो रेसिंग हुई है वो भी इधर ही कहीं हुई है. सो आई कैन एक्चुअली यू नो, मुझे सब याद आ रहा है कि ये गाना यहाँ शूट हुआ है, क्योंकि मैंने मूवी 3-4 बार देखी है. यू आर अ बिग फैन ऑफ दैट मूवी. कॉलेज तो ऐसा ही लग रहा है, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ चल नहीं रही यहाँ पे. और हाँ, विजिटर्स का प्लेस है यहाँ. कॉलेज वॉलेज पता नहीं पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है. वाई दे थिंक पीपल आर विजिटिंग FRI वर्सेस वाई पीपल एक्चुअली आर विजिटिंग FRI. यार इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा कॉलेज है, इनके यहाँ डिश टीवी नहीं है, इनके यहाँ एंटीना है. देखो दूरदर्शन वाला राजीव फ्लेक्स कर रही है, देखो कहाँ आई है, वीडियो कॉल कर करके अपने फ्रेंड्स को बता रही है कहाँ आई है. फर्स्ट ईयर के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में. एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. ये कैंटीन है, लेकिन अच्छा है कैंटीन. देखो यहाँ पे 10 रुपये में चाय है, 30 रुपये में कॉफी, 50 में बर्गर. बस उसमें कैसा था? कैसी थी? यो थी थोड़ी. गाइस हम लोग आए थे ढूंढने चेतन कचौरी, और अपेरेंटली एक्सक्यूज मी, देख सकते हो इतनी मिर्ची है यहाँ पे, मसाला मार्केट है. और गाड़ी आती नहीं है यहाँ तक, तो अब हम पैदल घूम रहे हैं दोपहर के 2 बजे कचौरी खाने. अब देखते हैं, हो सकता है वहाँ मिले भी नहीं, बट देखते हैं. चलो थोड़ा मार्केट दिखाते हैं, छोटे शहर जैसा मार्केट है, जैसे किराना मार्केट होता है ऐसा टाइप का है. और धूप भयंकर है, बट ह्यूमिडिटी नहीं है, तो एटलीस्ट वो अच्छा है. भाई जी, जो चेतन कचौरी वाला है थोड़ा वो अंदर है, तो आप मैं दिखा देता हूँ कैसे जाना है. ये हनुमान मंदिर है, और यहाँ से जैसे आप हनुमान मंदिर के सामने खड़े हो, उसके पीछे एक गली जाती है, तो ये आप अंदर आओ यहाँ से, पर यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती है. और यहाँ से आप अंदर आओ, कि बहुत सारी ऐसी मंदिर की पूजा के सामान की दुकानें मिलेंगी. और ये रहा आपका चेतन कचौरी, ये दुकान है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी रिकमेंडेड है हायर देहरादून में. और आप जब भी आओ तो यहाँ से ज़रूर खा के जाओ. ये यहाँ का रेट कार्ड है, फूड इतना सब सिर्फ कचौरी के लिए. वाओ, ये एक सब्जी है, छोला है, रायता है, सैलड है, एक सूखी सब्जी है. थैंक यू. और कचौरी का साइज देखो यार, क्या बढ़िया कचौरी, ऐसी कचौरी होनी चाहिए एकदम बड़ी फूली हुई, है ना. लोग क्या ऐसे पतली पतली सी कचौरी दे देते हैं, क्यों प्राची क्या लगता है? This is divine. कहाँ है divine? Divine.
वाओ अमेजिंग। अक्षय की रिकमेंडेड थी ये। अक्षय को सलाम है जिन्होंने ये जगह हमें बताई। दिस जगह इज आल्सो लाइक फुल देसी वाइब्स। यस, आपको ऐसे छोटी छोटी गली कूचे में घुस के आपको दिस इज सुख सुख। सो लेट्स बिगिन। ये जो अंकल हैं इतने प्यार से खिला रहे हैं, हम चार पूरी खाने आए थे और खा ली हमने 10। कसम से मैं बता रही हूँ, मैं कैब में थी, राइड्स में कैब में बैठी थी, इतने भी थकी थी और मैं बोल रही थी तो ये भी मुझे कैब जो आ रहा है। एंड जब मैं आई आई एम फुल एनर्जाइज, आई लव दिस प्लेस। अब मतलब मैं देहरादून आऊँगी तो यहाँ आऊँगी सबसे पहले खाने के लिए। एंड 100 रुपये में अच्छा खासा खाना, इट्स वेरी गुड। अप्रूव्ड, अंकल रॉजर अप्रूव्ड। अंकल रॉजर को चैलेंज है, इंडिया आएगा तो वियो। आई थिंक दिस इज गोना बी कूल, लेट्स सी। नो बट गाइस, दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट प्लेस, सबको आना चाहिए। क्या खाना है आपको? ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। आलू सब्जी। गाइस ये देखो, ऐसे लाइव इतनी ऑसम कचौरियां आपने बनने हुए पहले कभी नहीं देखी होगी। फूल के निकल रही है। गर्मी है पर अब गर्मी में भी ये खाना खाओगे आपको मजा आएगा। अभी 10 पूरी खा के आए, 4 खाने आए थे। और ये देखिए बहुत ही ऑसम है, अगर आप देहरादून आए हो तो यहाँ ज़रूर। और ये अंकल, उन्होंने बहुत अच्छे से, अंकल थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से प्यार से खिलाया, बहुत मज़ा आया। जब भी आप अगर आओ देहरादून तो यहाँ ज़रूर खा के जाओ। हनुमान मंदिर के पीछे लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप क्लिक करोगे तो यहाँ आ सकते हो। और चलो चलते हैं, बाय बाय।